दोस्तों भारत की रक्षा शक्ति में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को 97वीं अत्याधुनिक LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सौदा मंजूर किया है। यह सौदा सिर्फ एक रक्षा डील नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई ऊंचाई देने वाला मील का पत्थर है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह सौदा क्यों खास है, इसे भारतीय वायु सेना को क्या मजबूती मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस भारत का गौरव। तेजस भारत में स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र हर प्रकार के मिशन को पूरा कर सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है कि यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित है, यानी विदेशी निर्भरता घटती है और मेक इन इंडिया अभियान को वास्तविक मजबूती मिलती है। 62,000 करोड़ के सौदे का महत्व। अभी जो सौदा मंजूर किया है उसमें 97 नए तेजस MK-1A वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इसका मूल्य लगभग 62,000 करोड़ रुपए है। यह डील अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं में से एक है। इसे हॉल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियों को बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह सौदा सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं बल्कि इससे जुड़े हजारों भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और छोटे मंझोले उद्योगों को भी रोजगार और तकनीकी विकास के अवसर मिलेंगे। MK-1A वजन क्यों खास है? तेजस के मौजूदा वजन की तुलना में MK-1A वजन कई मामलों में बेहतर है। इसमें उन्नत ऐसा रडार लगाया गया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, सर्वाइवल क्षमता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम लगाए गए हैं, या रिफ्यूलिंग प्रोब और बेहतर एवोनिक्स से लैस है और ऑपरेशन के दौरान रख रखाव में आसानी, यानी वायुसेना के लिए अधिक कॉम्बैट अवेलेबिलिटी है। इन अपग्रेड्स के साथ MK-1A न केवल दुश्मन के आधुनिक विमानों का सामना कर सकता है बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर दबाव में थी। पाकिस्तान के पास JF-17 और चीन के पास J-10C जैसे फाइटर हैं। भारत के लिए जरूरी था कि वह तेजी से आधुनिक फाइटर स्क्वाड्रन तैयार करे। 97 नए तेजस MK-1A विमानों के आने से वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। यह न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की चुनौती का जवाब है बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी आक्रामक स्थिति का सामना आत्मविश्वास से कर सकता है। मेक इन इंडिया और निर्यात की संभावनाएं। इस डील का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह पूरी तरह भारतीय तकनीक और उत्पादन पर आधारित है। अनुमान है कि इस परियोजना से भारत में 50,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, छोटे और मंझोले उद्योगों को बड़ी भूमिका मिलेगी। भविष्य में यही तेजस MK-1A भारत के लिए निर्यात का भी बड़ा साधन बन सकता है। फिलहाल कई देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है जिनमें मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और मिस्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश। यह सौदा दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अब रक्षा खरीददार नहीं बल्कि रक्षा उत्पादक और निर्यातक भी बन चुका है। आज से कुछ दशक पहले तक भारत लगभग पूरी तरह विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। तेजस MK-1A इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारत आधुनिक तकनीक खुद बना सकता है और अपने बल पर आसमान की हिफाजत कर सकता है। भविष्य की राह। तेजस MK-1A के बाद भारत पहले से ही तेजस MK-2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजना पर काम कर रहा है। इस डील से मिले अनुभव और आर्थिक प्रोत्साहन से आने वाली इन परियोजनाओं को भी तेज रफ्तार मिलेगी। 262,000 करोड़ का यह सौदा सिर्फ एक रक्षा अनुबंध नहीं बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी ताकत और नई पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक है। आने वाले सालों में जब आसमान में गर्जना करते हुए तेजस MK-1A उड़ान भरेंगे तो वह सिर्फ वायुसेना की ताकत नहीं होगी बल्कि हर भारतीय का गर्व भी होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तेजस MK-1A आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन के आधुनिक फाइटर को पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो डिफेंस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।